हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी क्या होंगे, फाइन होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ माय न्यू क्लास, आर न्यू क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर 11th, दैट इज़ द प्रोफेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पीछे से बात करते हैं। हमने जो लास्ट हमारा जो वीडियो रहा था, जो लास्ट क्लास रही थी, उसमें हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। एंड आफ्टर उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो हमारी थ्री थी, दैट इज़ बिजनेस थी हमारी, और फिर था हमारा प्रोफेशन, एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर एम्प्लॉयमेंट। तो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम, बिजनेस को डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बोथ आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो लेट गेट स्टार्ट योर न्यू टॉपिक, दैट इज द प्रोफेशन। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशन, क्या होता है प्रोफेशन? नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये इसका प्रोफेशन है, ये काम कर रहा है, ये इसका प्रोफेशन। तो आज हम बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से कि होता क्या है प्रोफेशन, क्या क्या फीचर्स होती हैं प्रोफेशन की। सो प्रोफेशन रेफर्स टू, इट इज एन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस ऑक्यूपेशन को हम प्रोफेशन बोलेंगे, ये हम सीख रहे हैं आज। सो ऑक्यूपेशन विच हैज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन एज प्रोफेशन। ओके, तो बिजनेस भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी, तो क्या डिफरेंस है? तो लेटस इसको फिर से हम डिफरेंट करेंगे, इसमें एक फीचर डालेंगे जो इसे बिजनेस से क्या बनाएगी, अलग बनाएगी, दैट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। ये क्या है, देखिए इस फीचर में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का फीचर क्लियर हो गया। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक्स में क्या फीचर काउंट करेंगे, सबसे इट इज ना फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए प्रोफेशन रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल बोला जाएगा, कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल तभी बोला जाएगा जब उसके पास क्या होगा, एक स्पेशल नॉलेज होगी। ठीक है, और उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए उसके पास एक टेक्निक भी होगी। दो अगर फीचर्स उसके पास हैं तो उसे प्रोफेशनल बोला जाएगा। कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति है, कोई भी सिंपल व्यक्ति है, वो क्या नहीं कर सकता है, वो प्रोफेशन में नहीं जा सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, फेलियर सक्सेस बाद में डिपेंड करेगी, बट कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन नहीं बन सकता, प्रोफेशनल नहीं बोला जाएगा जब तक उसके पास कोई डिग्री नहीं है, जब तक उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है। ओके, जब तक उसको वो नॉलेज को यूज़ करने की टेक्निक नहीं आती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ले लो, तो हर कोई इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने MBBS किया है, अगर कोई BAMS किया है, तो ही वो डॉक्टर बन सकता है और उसने उस चीज़ में इंटर्नशिप भी की हो। ओके, नेक्स्ट है, तो सिंपली द पर्सन हु हैज़ द स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक्स कैन बी सेड द प्रोफेशनल। थर्ड वन इज फीचर है, वो है उसके पास क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। देखिए क्या होगा, एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस,
देर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन. क्या होता है ना, कोई भी किसी ने क्या किया, MBBS का एग्जाम क्लियर कर दिया और वो आते ही ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकता किसी भी पेशेंट की. कोई भी, हम भी तो नॉर्मली क्या चाहते हैं, हम ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो फॉर्मली ट्रेंड होगा और उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस होगा. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब भी कोई प्रोफेशनल अपनी यू कैन से एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसके बाद ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है और उसे कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है. जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो अपने अपने प्रोफेशन में उतना ही स्पेशलाइज हो जाएगा. ओके, सो देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन. इट मीन्स ओनली द ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज इम्पार्टेड बाई सम इंस्टीट्यूशन. किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन से उसने ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग लेना जरूरी है. नेक्स्ट फीचर इज एस्टेब्लिशिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस. यस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस. इस फीचर में क्या होगा, इट इज़ द नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल. सो इन इट द प्रोफेशनल मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन. सबसे पहले क्या होगा, जो भी आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो एक कोई एसोसिएशन होनी चाहिए जिसके अंडर आप क्या कर सकते हो, आपको कंट्रोल किया जाएगा. सबसे पहले क्या होगा, जो एसोसिएशंस होंगी ना वो क्या करती हैं, वो अपने प्रोफेशनल्स पर कंट्रोल करती हैं अपने पर्सनल पर. बिहेवियर है जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बिहेवियर पर क्या करती है, कंट्रोल करती है ताकि वो कोई भी मिस हैपनिंग ना हो. सेकंड है कोड ऑफ कंडक्ट. इसका मतलब है इट द एसोसिएशंस क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशनल. देखिए एक डॉक्टर है, सो कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्टर के लिए क्या होगा, उसे अपने जो पेशेंट्स हैं उनका क्या करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है, बाद में उसे क्या करना है, अपनी फीस की तरफ देखना होता है. सो इट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. थर्ड वन इज to build up and promote the image of its members. So image creation हो जाएगा. देखिए आप सभी चाहते हैं कि है ना आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले आफ्टर 12th. क्यों? क्योंकि आप जितने अच्छे कॉलेज से पास आउट होकर निकलेंगे, ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, आपकी रेपुटेशन उतनी ही अच्छी होगी. ऐसे ही क्या है, आप जिस भी अच्छी एसोसिएशन से जुड़े हैं, प्रोफेशनल जिस भी रेपुटेड एसोसिएशन से अगर जुड़ा है तो उसकी इमेज भी क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाती है. सेकेंड नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा कि हु विल बी आ डॉक्टर, हु विल बी आ लॉयर, हु विल बी आ यू कैन से टीचर. तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है और उसका जो चेकआउट होता है वो एसोसिएशंस करती हैं कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बिना किसी डिग्री के ही अपने आप को प्रोफेशनल बनाकर बैठा है. टू रेगुलेट एंट्री टू द प्रोफेशनल्स. एंड ये क्या करते हैं, ऐसे लोग जो क्वालिफाइड नहीं हैं, ओके, और तो वो, और अगर वो इस मामले में आ जाते हैं, किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं, तो उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए जाते हैं बाय दीज एसोसिएशंस. क्लियर, सिंपली है. अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. उसके बाद ये बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज होती है, इसमें मतलब स्पेशल नॉलेज और टेक्निक्स की ज़रूरत होगी. आफ्टर दैट एक्वायरिंग टेक्निक्स, ट्रेनिंग चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, तभी वो प्रोफेशनल अपने काम में स्किल्ड होता है, प्रोफेशनलाइज्ड होता है. नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशंस. पर्टिकुलर एक प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, तो उनसे रिलेटेड एसोसिएशन बनी हुई हैं. क्यों बनाई है एसोसिएशन, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दिस एसोसिएशन. तो सबसे पहले क्या करता है
कि कोई भी प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर है तो दैट मेंबर इज़ कंट्रोल्ड बाय द एसोसिएशन, उसका जो बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाएगा एसोसिएशन के द्वारा। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट शुड बी डन बाय द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, कि वो जो मेंबर हैं एसोसिएशन की उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो ये क्राइटेरिया इज ऑल्सो, दिस क्राइटेरिया इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एसोसिएशंस, बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस। नेक्स्ट इमेज, you want to be a member of a good or you can say the reputed association, okay? So association भी क्या करती हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने member बनाती हैं, क्योंकि the members are related to the association, the image of the members is directly influenced by the image of association। आप किसी अच्छे school में पढ़ रहे हो तो आपकी reputation अच्छी होगी, आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे मतलब जहाँ की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपके बारे में भी जो आपकी भी रेपुटेशन होगी वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो सिंपली आप अपने किस जो मेंबर है उसकी जो इमेज है दैट इज़ क्रिएटेड बाय द इमेज ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद क्वालिफिकेशन, हु बिकम अ प्रोफेशनल, ठीक है, एक टीचर है तो टीचर के लिए क्या डिग्री होनी चाहिए, बीएड की, ठीक है, पीजीटी है तो क्या होना चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बता दिया कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए और इसको चेकआउट कौन करेगा, एसोसिएशन चेकआउट करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या करती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। तो दीज आर द रोल्स प्लेड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टिल सम एग्जांपल्स ऑफ काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, लाइक बार जो काउंसिल होती है वो किसके लिए, बार काउंसिल फॉर इंडिया, ये किसके लिए है भाई, ये लॉयर्स के लिए है। उसके बाद ये हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये किसके लिए है, ये सीएस के लिए है, ये उन सीए हैं जितने उन पे कंट्रोल करती हैं, ठीक है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये किसके लिए है, ये डॉक्टर्स के लिए है। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारी हमारी काउंसिल्स बनी हुई हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो किस पर कंट्रोल करती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए कोई भी व्यक्ति क्या होता है जब तक अच्छे से काम नहीं करता है, या तो उसको कोई फेयर मोटिवेशन मिले या फिर क्या है उसे किसी चीज़ का डर हो, तो कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से कंट्रोल के लिए बनाया गया है, ये कंट्रोल करता है किस पर, प्रोफेशनल्स पर। कैसे कंट्रोल करता है, अगर कोई प्रोफेशनल अपने काम को सही तरीके से नहीं करता है सबसे पहले तो उसे बताया जाएगा कि यू शुड डू दिस, आपको ऐसा करना होगा या यू शुड ऐसा करना चाहिए। बट इन द केस अगर कोई प्रोफेशनल इसको फॉलो नहीं करता है सो जो काउंसिल से जो हमने पढ़ा था, जो काउंसिल्स हैं वो दैट विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट प्रोफेशनल एंड दे कैन ऑल्सो दे कैन कैंसिल द लाइसेंस ऑफ दैट प्रोफेशनल ऑल्सो इफ द मैटर इज वेरी बिग, इफ द मैटर इज यू कैन से shows a negative, totally negative effect, impact on a particular person or you can say the society. Okay, next है हमारा feature, जो professions होते हैं that gives the priority to the services. Priority देते हैं services को, कैसे, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या करेगा, फीस को नहीं देखेगा सबसे पहले, उसका जो सोशल जॉब है उसकी, एक नॉबल जॉब में काउंट किए जाते हैं डॉक्टर्स, तो सबसे पहले उनका जो मोटिव है वो सर्विस मोटिव होना चाहिए। ओके, जैसे अगर पेशेंट आता है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट होगा, उसके बाद उसे फीस चार्ज की जाएगी। अलग जो हमारी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटी थी, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है और प्रोफेशनल एक्टिविटी है, तो इन सब में सबसे जो मेन रीज़न है
जो सबसे यू कैन से द नोबल प्रोफेशन है वो प्रोफेशनल्स में ही आता है, तो यहाँ पर उन्हें सर्विस मोटिव के लिए बोला जाएगा, ना कि अर्निंग फॉर मनी। मनी भी अर्न करना है, बट सबसे पहले ये ओपन होते हैं सर्विस मोटिव के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेशन। हमने प्रोफेशन के बारे में क्या पढ़ा, देखिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्रोफेशन के बारे में पढ़ा हमने, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद पढ़ा हमने यहाँ पर नॉलेज चाहिएगी स्पेशलाइज एंड टेक्निक्स चाहिएगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग भी होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हमने पढ़ा यहाँ पे क्या है, एसोसिएशंस हैं जो क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं प्रोफेशनल्स पर, एंड आफ्टर दैट कोड ऑफ कंडक्ट, एंड दीज आर द प्रोफेशनल्स वर्क्स फॉर द सर्विस फर्स्ट। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, देखिए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इट इज एन ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट रहता है, फीचर ही कर रही हूँ मैं, सर्विस टू अदर्स। कोई व्यक्ति, व्हेन अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर, दैट कम्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप एम्प्लॉय बोले जाएंगे। कब बोले जाएंगे, जब आप क्या करेंगे, दूसरे के लिए काम करेंगे। सेकेंड वन है पर्सनल सर्विसेज, आपको वहाँ पर खुद जाकर काम करना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल को वहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉई है उसे वहाँ पर जाकर काम करना पड़ेगा खुद, ना कि वो अपने आप को किसी से रिप्लेस कर सके। फिर होता है एग्रीमेंट, देयर शुड बी एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एग्रीमेंट में क्या क्या लिख सकते हैं, द एग्रीमेंट शुड मस्ट बी अबाउट द वर्क टाइप ऑफ वर्क क्या रहेगा, यू कैन से द सैलरी क्या रहेगी, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे। ठीक है, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपके एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट होगा सर्वेंट, द एम्प्लॉई ट्रीटेड एज अ सर्वेंट, मतलब ही हैव टू वर्क फॉर हिज मास्टर, ही हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द मास्टर, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द मास्टर। तो सर्वेंट का मतलब होता है ऑर्डर फॉलोअर्स, तो यहाँ पर एम्प्लॉई को ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, बस मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है जो एम्प्लॉयर ने मांगी वो होनी चाहिए। क्योंकि कैपिटल नहीं है तो यहाँ पर क्या है, नो रिस्क, रिस्क भी नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता, पैसे ही नहीं है। ठीक है, आगे है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। सो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर आपका हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और यू कैन से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हो सकती है कोई, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय कह सकते हैं आप इस तरह से। तो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सिंपल सा है, जब वेन वन पर्सन वर्क्स फॉर अदर दैट इज नोन कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो सर्विस देंगे दूसरों को, पर्सनल सर्विस देंगे। मैं अगर किसी के यहाँ पे जॉब करना चाहती हूँ तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, मुझे खुद अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, मैं किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ या कोई मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता है। देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन दैट इज़ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर हु गिव्स द वर्क एंड एम्प्लॉय हु इज़ रेडी टू डू वर्क फॉर सम रेमुनेशन। एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में डिस्कस होगा सर वर्क क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, वर्किंग कंडीशंस क्या रहेंगी। सर आपको एम्प्लॉय को सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, सर्वेंट का मतलब होता है ऑर्डर फॉलोअर। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, किसके किसके ऑर्डर फॉलो करेंगे, एम्प्लॉयर के। ओके शाबाश। नो नीड ऑफ कैपिटल, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, जाओ काम करो और रेमोनरेशन लो।
नो रिस्क, आपको क्या है, आप एम्प्लॉई हो, आपको जो सैलरी मिलेगी वो कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा, आपने यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाया है, ठीक है, कोई एसेट इन्वेस्ट नहीं किया है, तो रिस्क तो रहेगा ही नहीं। नेचर क्या हो सकता है, एक व्यक्ति है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉई हो सकता है। तो दिस ऑल अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। सो आज हमारी तीनों एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी हैं, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी थी बिजनेस, दूसरी थी प्रोफेशनल या प्रोफेशन, एंड तीसरी थी हमारी एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।